हे ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि घर में फेस स्क्रब कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। और जो फेस स्क्रब हम यूज़ करने वाले हैं वो टोटली होममेड है, नेचुरल है। सो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी लाइक एक्ने प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। सो ब्यूटीज, विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्यूटीज, बिफोर यूजिंग दिस होम रेमेडी, बिफोर डूइंग स्क्रबिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रब को बनाना कैसे है, हम इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ टू मेक दिस। सो गाइज, सबसे पहले एक प्लास्टिक बोल में मैंने ओट्स पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास ओट्स पाउडर नहीं है तो आप राइस फ्लोर, चावल का आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें हाफ टेबल स्पून हनी डालना है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अ पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ी सी हल्दी, और उसके बाद हमें हाफ टेबल स्पून ग्राम फ्लोर ऐड करेंगे विच इज़ बेसन। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, और मैंने एक टेबल स्पून रोज़ वाटर भी डाला है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अभी अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाया, देयर इज़ नो मेकअप एट ऑल, मेरा फेस टोटली क्लीन है। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लीनिंग। हमेशा स्क्रब करने से पहले जो फेस है वो एकदम ही क्लीन होना चाहिए, कोई भी डर्ट या फिर कोई भी ऑयल या पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए अपने फेस पे। तो उसके लिए सबसे पहले आई एम यूजिंग माय फेस वॉश फ्रॉम फेस शॉप, और मैं अपने फेस वॉश से अपना जो फेस है वो धोने वाली हूँ, पूरा क्लीन करने वाली हूँ। उसके बाद हम स्क्रबिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फेस क्लीन करने जा रही हूँ अपने फेस वॉश से। सो आफ्टर वॉशिंग माई फेस पूरा क्लीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा पूरा डर्ट सब कुछ हट चुका है, आप देख सकते हैं पॉल्यूशन ये बिल्कुल ही एकदम ही क्लीन हो गया है। सो अब हम अपना स्क्रब यूज़ करने वाले हैं जो हमने बनाया है, और अब हम इसको फेस पे लगाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ है ब्यूटी, जो ओट्स के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने अच्छे से स्क्रब आउट करता है पूरा डर्ट, और आपके जो भी पोर्स में पॉल्यूशन है, ऑयल है, डर्ट है, सब कुछ वो निकाल देते हैं। Oats is the best scrubber ever. Again, honey जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फेस को मॉइस्चर करता है, डर्ट निकालता है और स्किन को सॉफ्ट कर देता है। अगर आपके पास ओट्स नहीं है तो आप राइस फ्लोर ले सकते हैं, चावल का आटा, या फिर नॉर्मल आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्क्रबिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। गाइस, आपको ये 5 to 6 मिनट्स अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से सर्कुलर मोशन में पूरा स्क्रब करना है फेस को। रिमेंबर 5 to 6 मिनट्स बिल्कुल आपको स्क्रब करते रहना है, इससे जो पूरा डर्ट है निकलेगा, ग्लो आएगा, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है फेस का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक और चीज़, 5 to 6 मिनट्स के बाद, जब तक आप 5 से 6 मिनट आप इसको स्क्रब कर रहे हैं, उसके बाद ये जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फेस। सो उसके लिए आपको क्या करना है, एक थोड़े से कंटेनर में, जैसे मैंने रोज़ बॉटल का जो ढक्कन है उसी में थोड़ा सा रोज़ वाटर ले लिया है, थोड़ा सा अपने फिंगर्स में डाल के उसे दोबारा से कंटिन्यू करना है स्क्रब के लिए, ताकि वो थोड़ा सा और मॉइस्चर आ जाए और स्क्रब और अच्छा हो जाए, ड्राई ना रहे बिल्कुल, क्योंकि अगर वो ड्राई रहेगा तो आपके स्किन में रैशेस आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्क्रब होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा रोज़ वाटर, अगर रोज़ वाटर नहीं है तो थोड़ा सा पानी मिला के दोबारा से स्क्रब कीजिए अच्छे से, दोबारा से 2 मिनट्स तक और स्क्रब करना है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 2 to 3 मिनट्स नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस। अब मैं अपना फेस धोने जा रही हूँ नॉर्मल पानी से, जस्ट मैं वॉश कर वापस आऊँगी। सो ब्यूटीज, आफ्टर वॉशिंग माई फेस यू कैन सी इसने मेरे फेस को बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। अब हमें क्या करना है गाइज, हमें एक कंटेनर में थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है, और हमें इमिडिएटली एकदम से फेस पे रोज़ वाटर लगाना है, बिकॉज स्क्रबिंग के बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, और उसकी वजह से उसमें डर्ट और पॉल्यूशन जा सकता है। सो ये रोज़ वाटर उन पोर्स को बंद कर देगा, और हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ही ग्लोई और क्लीन हो जाएगी। तो जो पोर्स को वो एकदम ही बंद कर देगा, श्रिंक कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन, डर्ट या कुछ भी हमारे स्किन के अंदर नहीं जा पाएगी। स्क्रब के बाद रोज़ वाटर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही रोज़ वाटर सूखता है उसके बाद आप अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र, फेस सीरम, अगर कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगा के उसे वैसा ही छोड़ दीजिए।
सो जैसे कि ये रोज़ वाटर अब पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है मेरे स्किन में, अब मैं अपना फेवरेट उपटन फेस सीरम फ्रॉम मामा अर्थ, ये मैं फेस सीरम अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। ये सीरम बहुत ऑर्गेनिक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसमें टर्मरिक और सेफ्रॉन है। तो ये मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। अच्छे से मैं इसको मसाज करूंगी एक मिनट तक। सो फ्रेंड्स, हियर आई एम डन। दिस इज द मेन स्टेप्स ऑफ डूइंग स्क्रबिंग एट होम ब्यूटीज। अगर आप ये स्क्रबिंग का जो मेथड है मैंने बताया, क्लिंजिंग, स्क्रबिंग, देन रोज वाटर और फिर मॉइस्चराइजर, अगर आप ये पूरे स्टेप्स वीक में दो बार भी करते हैं या फिर खाली संडे संडे भी करते हैं ना, तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी और क्लीन हो जाएगी कि आपको आपकी जो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स है, पिगमेंटेशन, डर्ट, पॉल्यूशन और बहुत सारी पॉल्यूशन और डर्ट की वजह से स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी हट जाएगी और स्किन काफ़ी क्लीन और बिल्कुल भी डिस्कलरेशन नहीं होगा और इवन टोन हो जाएगी। So just go and try this scrubbing and these steps at your home and just gonna let me know about this in your comment section। मुझे अच्छे से बताइए वो कैसा रहा आपको, कैसे आपने यूज़ करा और कैसे कैसे आपके साथ वो उसका जो मेनली जो रिजल्ट है वो कैसा आया। So beauties, hope you have liked this video, hope you have enjoyed it, please subscribe my channel, do follow me on Instagram, ये मेरी Instagram ID है, मुझे follow करना मत भूलना, और कोई भी recommendation हो videos का so just comment it in the comment section। See you on my next video, bye and take care।